श्री जयराम रमेश जी, जनरल सेक्रेटरी आईसीसी और हमारे मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज श्री दिग्विजय सिंह जी, वरिष्ठ नेता हमारे मैडम रजनी पाटिल जी, जम्मू कश्मीर की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रभारी, हमारे मीम अफजल साहब एआईसीसी के स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर है, शमशेर चौंग जी ये भारत यात्री हैं, और इधर विदेश शास्त्री जी जो कन्याकुमारी से चले थे, और नीरज कुंदन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के झटके से हैं, और अमरीश पांडे जी एआईसीसी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, राजेश शर्मा जी, शहरवाज चौधरी जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से जयराम रमेश जी आपसे मुखातिब होंगे। शुक्रिया शर्मा जी। मेरे ख्याल में हमारे पीसीसी अध्यक्ष जो आने वाले थे वो तो राहुल जी के साथ उनके गाड़ी में बैठकर कहीं चले गए हैं, तो वो अगर वो आएंगे वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। आज का कार्यक्रम ऐसा होगा, पहले हम भारत जोड़ो यात्रा का जो थीम सॉन्ग है हम अलग अलग भाषा में उसको बनाया गया है, आज दोगरी भाषा में जो बनाया गया है उसका रिलीज सब करेंगे। उसके बाद हमारे भारत जोड़ो यात्रा में जब शुरुआत हुई थी 7 सितंबर को कन्याकुमारी से 120 भारत यात्री थे, इनमें से 2 जम्मू और कश्मीर से हैं और दोनों यहाँ हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहता हूँ। मैं उनसे गुजारिश करूँगा जब उनका टर्न आएगा कि वो संक्षिप्त में अपना परिचय दें, कौन से ज़िले के हैं और यात्रा क्या रहा है। उसके बाद मैं और दिग्विजय सिंह जी और रजनी पाटिल जी आपको भारत जोड़ो यात्रा के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर और जम्मू और कश्मीर में खास तौर से उसके बारे में और जानकारी देंगे। तो पहले थीम सॉन्ग डोगरी में हम रिलीज कर रहे हैं। Thank you.
चली भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। अच्छा अभी हमारे पीसीसी अध्यक्ष भी आ गए हैं, उनका स्वागत है। जो दो हमारे भारत यात्री हैं जम्मू और कश्मीर के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना परिचय दें संक्षिप्त में, नाम किस जिले से हैं और उनका भारत जोड़ो यात्रा में कैसे आना हुआ। हाँ जी, मेरा नाम विजय कुमार शास्त्री है, मैं तहसील मढ़ का रहने वाला हूँ और डिस्ट्रिक्ट जम्मू, और रेजिडेंस मेरा नागबनी सुमैलपुर। और मेरा जो भारत जोड़ो यात्रा में नाम गया, पीसीसी ने नाम डाला और वहाँ दिल्ली में मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद जो है मैं भारत जोड़ो यात्रा का एक सदस्य बना और कन्याकुमारी से राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के आज मैं अपनी धरती पे अपने प्रदेश में पहुंचा हूं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं अपने प्रदेश में आ गया हूं और भारत जोड़ो यात्रा में बहुत एक ये महत्वपूर्ण यात्रा है, ऐतिहासिक यात्रा है और इस यात्रा से हमें बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है और प्यार और भाईचारे की ये यात्रा है और प्यार और भाईचारे का ये संदेश लेकर जो है पूरे देश में ये यात्रा जो है एक मैसेज आ रहा है और मेरा अपने प्रदेश को एक मैसेज है कि ये अभी जुड़ने का वक्त है। इस यात्रा से जितने लोग जुड़ेंगे हमारे प्रदेश का भला होगा, हिंदुस्तान का भला होगा, अपनी आवाम का भला होगा, क्योंकि ये यात्रा नौजवानों के लिए, लाखों बच्चों के लिए, लाखों महिलाओं के लिए, लाखों बुजुर्गों के लिए, ये सबको जोड़ने के लिए, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए, मायूस लोगों को जोड़ने के लिए ये यात्रा है, प्यार भाईचारे की यात्रा। जय हिंद जय भारत। हेलो, मेरा नाम शमशेर है, मैं बड़ी बैमना पल्ली ग्रां का रहने वाला, डिस्ट्रिक्ट मेरा सांबा है, विजयपुर विधानसभा है। हेलो, 7 सितंबर तू कन्याकुमारी तू राहुल जी उन्दे कन्ने कंधे कन्ने कंधा मिलाइयै चले करना। जिल्ले असें 7 सितंबर की यात्रा स्टार्ट कीती ही कन्याकुमारी तू, ते अज अस अपने जम्मू स्टेट च पुज्जे हैं। 12 स्टेटा क्रॉस करके बड़ा अच्छा लगा, बग बग जगह तो निकलते हुए असें अलग अलग संस्कृति ते अलग अलग भोजन का भी दिखने मिला। ये हिंदुस्तान जड़ा है सारियां दा है, ये जड़ी नफरत सी। हेलो, जो नफरत है वो जो दिलों में हमारे एक किसी एंगल से भरी गई है, ये उस नफरत को ख़त्म करने के लिए यात्रा राहुल जी ने जो कीड़ा उठाया था इस यात्रा का, वो आज पूरे हिंदुस्तान से कन्याकुमारी से स्टार्ट होके जम्मू में प्रवेश किया है। तो हमें बहुत अच्छा लगा इस यात्रा में, हमारे साथ हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट और हमारी पीसीसी ने हमारा पूरा सहयोग दिया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। दिग्विजय सिंह जी, जयप्रकाश जी, जहाँ भाई बड़ा धन्यवाद है इस सानू नाल लेके चले और अज साड़ी स्टेट च आके उन्होंने तुहाडे सामने रबरू किया और इस सारे यात्रा का जो अनुभव है वो यही दसनगे। थैंक यू, जय हिंद जय डोगरा। आज भारत जोड़ो यात्रा का 126वां दिन है, 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और अब हम जम्मू और कश्मीर पहुंचे हैं।
अगले 10 दिन के लिए हम जम्मू और कश्मीर में रहेंगे। आज कठुआ में पहला दिन रहा है। सुबह लगातार 7:45 से करीब 20-21 किलोमीटर हम लोग चले हैं राहुल जी के नेतृत्व में। आज दोपहर को भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा। कल विश्राम का दिन है और 22 तारीख को फिर से हम चलना शुरू करेंगे। उसके बाद 26 को विश्राम का दिन है क्योंकि रिपब्लिक डे है, और 30 तारीख को अंतिम समारोह होगा श्रीनगर में। 24 तारीख को 1 बजे राहुल जी यहाँ के प्रेस को संबोधित करेंगे, जम्मू के प्रेस को। कश्मीर के प्रेस को अलग से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, पर जम्मू की मीडिया के लिए 24 तारीख के लिए उसका लोकेशन आपको मिल जाएगा एक दो दिन में। पर 24 तारीख को 1 बजे राहुल जी आपसे बातचीत करेंगे। आप लोग का, सब लोग का स्वागत है और कुछ भी सवाल आप पूछ सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 40 मिनट तक चलता है और मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राथमिकता सिर्फ जम्मू के मीडिया को दूंगा, यानी नेशनल मीडिया नहीं और कोई मीडिया नहीं, का जो जम्मू से जम्मू में काम करते हैं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल, उन्हीं को मैं प्राथमिकता दूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके एक मिनट मुझे ख़त्म करने दीजिए सबको, और सभी का सवाल लेंगे, ठीक है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको जल्दी है तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह जी भी हैं हमारे साथ, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, और भारत जोड़ो यात्रा की जो प्लानिंग की समिति थी वो उनके अध्यक्ष हैं, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। पर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो ज़रूर कन्याकुमारी में हुई, पर उस पर जो विचार किया गया था उदयपुर में, ये सोच उसके पीछे ये है कि कांग्रेस पार्टी को विचारधारा के मुकाबले में मैदान में उतरने की ज़रूरत थी। सिर्फ हम चुनावी मशीन नहीं हैं, विचारधारा के मुकाबले में अभी हमें और अहम भूमिका निभाने की ज़रूरत है। आरएसएस बीजेपी की विचारधारा हमारे देश को एक रास्ते में ले जा रही है, और कांग्रेस की विचारधारा जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य विचारधारा थी, वो विचारधारा जो हमें संविधान दिया और जो विचारधारा आधुनिक भारत के निर्माण में उसका भी एक विशेष महत्व रहा है, वो अलग रास्ता दिखा रही है। ये दो विचारधाराओं का टक्कर है और इसको और मजबूती से लड़ने के लिए राहुल जी और कांग्रेस के नेतृत्व ने ये सोचा कि हमें जनता के बीच में जाना है, जनसंपर्क कराना है, और जनता के बीच में जाकर उनकी जो आशंकाएं हैं, उनका जो भय है, उनकी जो मांगे हैं, उस पर और हमें सुनकर और गहरा विचार करने की ज़रूरत है। 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक, यानी कि 2 महीने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू होगा, और ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस संगठन की ओर से सभी कार्यकर्ता इसमें लग जाएंगे। हमारे देश के करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में, हमारे देश के करीब 6 लाख गांव में, और हमारे देश के करीब 10 लाख मतदान केंद्र में इसका पहुंच होगा, और सभी घर डोर टू डोर कैनवसिंग होगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। एक संदेशा हर घर तक पहुंचाया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा का, और हर घर तक एक चार्जशीट मोदी सरकार के खिलाफ, तो मोदी सरकार की विफलताएं हैं उसके बारे में एक चार्जशीट तैयार की गई है जो कल दिल्ली में रिलीज होगा, और वो भी घर घर तक पहुंचाया जाएगा हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा इस 2 महीने के कार्यकाल में।
26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक श्रीनगर में राहुल जी हमारे पीसीसी ऑफिस लाल चौक में जो है वहाँ राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 23 पार्टियों के अध्यक्षों को लिखा है, उनको निमंत्रण दिया है कि आप आइए अंतिम समारोह में भाग लीजिए। जो आएंगे उसकी जानकारी मैं 24 या 25 तक आपको दे दूंगा, अभी जवाब आने लगे हैं पर अभी फाइनल लिस्ट नहीं तैयार हुआ है, पर 23 पार्टी को निमंत्रण गया है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी 23 पार्टी शामिल होंगे इस अंतिम समारोह। मैं दिग्विजय सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो। पीसीसी अध्यक्ष, आपको जम्मू और कश्मीर में जो कार्यक्रम होगा, पहले जम्मू में बाद में कश्मीर में, उसकी और अधिक जानकारी देंगे। जय राम रमेश जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, इंचार्ज कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर और सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह जी, एआईसीसी इंचार्ज जम्मू कश्मीर मैडम रजनी पाटिल जी, ऑनरेबल एमपी भी हैं, हमारे मुईन अफजल साहब जो स्पोक्समैन हैं आईसीसी के, नीरज कुंडन जी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी, हमारे भारत यात्री शमशेर सिंह जी और हमारे विजय कुमार शास्त्री जी, शाहनवाज साहब और दूसरे सारे साथी, सभी प्रेस के साथियों का मैं सब पहले स्वागत करता हूं। इस भारत जोड़ो यात्रा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सब लोगों से मुलाकात होती रहती है और आप सब लोगों का शुक्रिया कि कांग्रेस पार्टी को आप हमेशा अच्छी तरह से चलाते हैं, हमारे प्रोग्राम चलाते हैं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलाते हैं और आज भी इस मौसम बारिश में भी आप जम्मू से यहाँ आए भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए। राहुल जी को जो भारत जोड़ो यात्रा अभी तक चली 22 किलोमीटर उसको आपने कवर किया, तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो कुठवा से कल प्रोग्राम हमारा इनॉग्रल सेरेमनी थी, फ्लैग हैंडओवर टेकओवर सेरेमनी थी, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे रिसेप्शन हुआ लोगों का, मैं लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, खासकर कुठवा और जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहाँ के लोगों का जिन्होंने वालियाना इस्तकबाल किया। कल जो हमारा इवेंट हुआ लखनपुर में, तो वहाँ से जो आए यहाँ तक जो रेस्पॉन्ड लोगों का मिला बहुत ज़बरदस्त था, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे हमारे रिसेप्शन के लिए, राहुल जी के रिसेप्शन के लिए थे और बहुत ज़बरदस्त अभी तक भारत जोड़ो यात्रा जो चली 22 किलोमीटर बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्ड था। हालांकि मौसम बहुत ख़राब था, सुबह भी बहुत ज़बरदस्त बारिश थी, अभी भी बारिश पड़ रही है और बारिश के होते हुए भी हजारों लोग राहुल जी के साथ चल रहे थे। तो मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर अब लास्ट जो है, अब तो शर्म आती है वैसे यूटी बोलने से, मैं तो स्टेट ही हमेशा बोलता हूं, तो लास्ट स्टेट बची है जहां अब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तो अभी जैसे हमारे सीनियर लीडर जयराम रमेश जी ने कहा कि इसके बाद एक पड़ाव और होगा 22 को और 23 को ये यात्रा जम्मू पहुंचेगी। जम्मू में सतवारी चौक के जगह एक बहुत अच्छी रैली होगी, उसके बाद 24 को नगरोटा से यात्रा चलेगी, नगरोटा में 5-6 किलोमीटर, उसके बाद उधमपुर में कोई 12 किलोमीटर चलेगी और फिर नाइट स्टे रामबन में, फिर रामबन में दूसरे दिन 5-6 किलोमीटर और उसके बाद बनिहाल में 10-12 किलोमीटर, आफ्टर दैट
फिर दिल्ली में एंटर होगी। तो मुझे यकीन है कि जिस तरह से 3-4 महीने 7 सितंबर से, जैसे जयराम रमेश जी ने कहा था, कहा कि 7 सितंबर से ये यात्रा चली, आज 126 डेज हुए हैं यात्रा को चले हुए, तो 126 दिन में मुझे नहीं लगता है कोई भी आदमी जो भी मिला मुझे, चाहे वो मुलाजिम मिला, चाहे वो जमींदार मिला, चाहे वो मजदूरी पेशा आदमी मिला, चाहे वो कार्यकर्ता मिला, उन्होंने एक ही बात मुझे कही कि भारत जोड़ो यात्रा कब आए, हमें भी बताना, हम आएंगे। तो अब भारत जोड़ो यात्रा जो हमारा ख्वाब था यहाँ आएगी, जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी है, आज कुछ किलोमीटर हम आज चले हैं। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं आपकी प्रेस के माध्यम से कि राहुल जी 22 से दोबारा सफर शुरू करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा राहुल जी के इस प्रोग्राम में जुड़िए। काफी डेपुटेशंस जो है वो मिलने जा रही है राहुल जी को, जिनने 90 से ज्यादा लोगों ने हमें क्या कहते हैं अपना प्रपोजल दिया है डेपुटेशन का, कि राहुल जी से हम मिलना चाहते हैं। आज जो डेपुटेशन मिली है वो एक्स सर्विस मैन की मिली है, जो हमारा पिछला टी पॉइंट था, कौन सी जगह थी वो, काफी देर 40 मिनट तक वो डेपुटेशन ने बात की, फिर उसके बाद वो पैदल भी चले, और कुछ लोगों ने, अब तो सारी हम बैठ के मिला नहीं सकते क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चलते चलते ही होती है, तो मैक्सिमम जो लोग हैं डेपुटेशन से वो वॉक करते करते मिलेंगे। कुछ फार्मर्स जो कुठवा के थे वो वॉक करते करते मिले, इसी तरह से बाकी लोग जो थे इंडिविजुअल्स जो थे वो भी चलते चलते राहुल जी से मिले। आगे के लिए जो है काफी डेपुटेशन है, जिसमें रिफ्यूजीज का डेपुटेशन है, कश्मीरी पंडित का डेपुटेशन है, इसी तरह से भी जो मेरे पास लिस्ट है डेपुटेशन का, लायर्स एसोसिएशन है बार एसोसिएशन का, इसी तरह से ब्रिक क्लीन एसोसिएशन है। तो जम्मू की जो ये लैंड एक्विजिशन हुआ है, जो ये लैंड का अभी स्टेट लैंड, और वो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही रोशनी एक्ट लाया था ताकि गरीबों को जो बाप दादे और परदादे के वक्त से जमीन है जिसमें वो अपनी एग्रीकल्चर जमीन जो इनके पास है, या उनके मकान 5-5, 10-10 मरले में बने हैं, तो वो जमीनों के राइट्स कांग्रेस ने दिए थे जो बीजेपी ने छीने, तो उसमें एक डेपुटेशन उनका भी मिल रहा है। लोगों को अपनी एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पुराने जमाने से, दादा परदादा के वक्त से स्टेट लैंड में खेती हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है, मकान बने हुए हैं। तो आज आप सदियों की जमीनों को, मकानों को नहीं तोड़ सकते हैं, लोगों को इस तरह से बेदखल नहीं किया जाता। मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में अगर किसी सरकार ने सबसे ज्यादा लोगों पे जुल्म किया वो ये 8-9 साल की बीजेपी सरकार है। सबसे पहले इन्होंने हमें सबसे बड़ा गिफ्ट दिया कि हमें स्टेट छीन लिया, हमारा यूटी बना लिया, जो इतनी अच्छी स्टेट थी हमारी, और उसपे भी लोगों को परेशान किया, दो हिस्से किए। उसके बाद जो है अभी लैंड लॉज का इशू है, अभी आप देख लीजिए इसमें नौकरियों में कौन कितने स्कैम हो रहे हैं, और इसी तरह से हर मामले में बीजेपी हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है। तो लोग राहुल जी से इन्हीं मुद्दों को लेकर मिलना चाहते हैं। आगे आगे वैली के भी कुछ डेपुटेशन मिलेंगी, तो डेली वेजर्स बेचारे 6-6, 8-8 साल से सड़कों पे है, आंगनवाड़ी सड़कों पे है, एनआरएचएम के मुलाजिम जो है, मनरेगा के मुलाजिम जो है, रेबर खेल जिनको परसों उन्होंने डंडू से पीटा, वो अपना हक मांग रहे थे। इसी तरह से अस्पताल डेवलपमेंट फंड है, सीआईसी ऑपरेटर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, सबके इश्यूज जो है पेंडिंग है। एक भी काम बीजेपी ने पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं किया, लोगों के हित में एक भी काम 9 साल में नहीं किया। जब ये लोग इलेक्शन में जाएंगे, मैं समझता हूं कि ये लेंगे क्या लोगों के पास कि हमने 9 साल में किया क्या। तो मैं ये कहूंगा अब लास्ट में कि राहुल जी लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए आए हैं, और 3 मुद्दे जो उनके हैं, बेरोजगारी को, हरियाणा के बाद बेरोजगारी में, और महंगाई, इतनी ज्यादा महंगाई, जो तेल की बोतल कांग्रेस टाइम में 50 की मिलती थी आज 200 की है, जो गैस सिलेंडर 425 का मिलता था आज 1200 का है, महंगाई का तूफान है, जो चावल 10 रुपए का कांग्रेस के टाइम में मिलता है 60 रुपए का है,
जो आटा कांग्रेस के टाइम में 8 रुपए का मिलता था आज 35 से 40 रुपए का है। तूफान है महंगाई का, लोग समझते ही नहीं है। इन्होंने खाली बड़े लोगों को बड़ा बना दिया और गरीबों को गरीब बनाया। तो मैं यही कहूंगा कि जो मुद्दे लेकर राहुल जी आए हैं, लोगों को चाहे उनका साथ देना, रेस्पॉन्ड देना, और हम आगे उनके साथ बढ़ेंगे, कश्मीर तक जाएंगे और वहां पे राष्ट्रीय तिरंगा फैलाएंगे। थैंक यू। आगे अगर कोई क्वेश्चन हो तो राय रामन जी जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट रजनीश पाटिल, आप सभी को नमस्कार। अभी विस्तार से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विखारन सिंह साहब ने आपको सब कुछ जानकारी दी है, और इसके पहले मैंने भी 1-2 दिन पहले आपको सब प्रोग्राम दिया था। जो जम्मू कश्मीर के बारे में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके बारे में राहुल जी को अवगत किया गया है, वो जानते हैं। कल भी अपने भाषण में उन्होंने उसकी उसका उल्लेख किया था। उसके लिए कुछ डेलीगेशन मिलेंगे, खास तौर पर कश्मीरी पंडितों का जो इशू है उसके लिए डेलीगेशन मिलेगा, और हमारे बाकी के जो मुद्दे हैं सबके लिए लद्दाख और लेह का एक डेलीगेशन हमारा 24 तारीख को मिलने वाला है, वो उनको अवगत कराएंगे लेह और लद्दाख की परिस्थिति, और बाकी के लोकल जो कोई मुद्दे हैं जिसका जिक्र अभी विकार भाई ने किया था, वो उनको हर रोज चलते समय अवगत किया जाएगा। आज जयराम रमेश जी हमारे नेता जी यहाँ आए हैं, दिग्विजय सिंह जी आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनसे ही ज़्यादा पूछें, क्योंकि हम आपसे हमेशा रूबरू होते रहते हैं। आज सुबह राहुल जी कैप्टन बाणा सिंह से मिले, वो आज मुख्य मीटिंग था, करीब 40 मिनट तक उनका ये इंटरेक्शन रहा। जैसा कि आप जानते हैं, कैप्टन बाणा सिंह को 1988 में परमवीर चक्र का पुरस्कार मिला था सियाचिन ग्लेशियर में, जो उन्होंने काम करके दिखाया था, और आज काफ़ी लंबी चर्चा हुई राहुल जी की और बाणा सिंह जी की। वो आज मुख्य मीटिंग था, और 22 तारीख से अलग अलग डेलीगेशन मिलते रहेंगे, जिसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। अभी आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछेगा, प्लीज़ एक एक करिएगा, एक एक करके। हाँ जी, एक 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 मिनट ये माइक दीजिएगा इनको, अब्रिश अरे को माइक जल्दी दे देता है, जल्दी जाइएगा। मैं दैनिक जान से राकेश शर्मा हूँ, कठुआ डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ। फिर आपसे एक मेरे सुबह सुबह हमें 9 बजे से लेकर 12 बजे तक दो कॉल आए हैं, एक पठानकोट से आ रहा था, एक लोकल आ रहा है, कि राहुल जी की यात्रा बारिश के चलते सस्पेंड हो गई है और 12 बजे उनकी फ्लाइट है, और वो गाड़ी में बैठ गए हैं कठुआ से आज। आज हम 7 बजे शुरू करने वाले थे, बारिश के वजह से हम 7:45 को हमने शुरू किया। पहले से हमारा प्रोग्राम था आज के लिए कि आज हम 21 किलोमीटर चलेंगे। 21 किलोमीटर लगातार चलने के बाद और कोई गुंजाइश नहीं है और उसी दिन यात्रा की, इसीलिए आज दोपहर को, ये एक हफ्ते पहले तय किया गया था कि आज दोपहर को यात्रा नहीं होगा, क्योंकि कल विश्राम का दिन है, तो 1.5 दिन के लिए भारत यात्री को थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा। 21 किलोमीटर लगातार चलना कोई मामूली बात नहीं है, तो ये बात कहना कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दिया है कि या कट शॉर्ट कर दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है। पहले से एक हफ्ते पहले ये तय किया गया था कि आज एक ही फेज में होगा भारत जोड़ो यात्रा करीब 21 किलोमीटर का। दोपहर को अगर भारत यात्री जम्मू जाना चाहते हैं और कहीं जाना चाहते हैं, मैं खुद दिल्ली जा रहा हूँ 4 बजे के फ्लाइट से, मैं खुद जा रहा हूँ क्योंकि कल विश्राम का दिन है, मैं कल शाम को लौटूंगा, तो इसमें कोई राज नहीं है, इसमें कोई सवाल भी नहीं है। एक एक करके मैं आता हूँ, शाली सिंह, SNI न्यूज। जयराम रमेश जी, जिस तरह से आपने स्टेट में यहाँ पे एंट्री की है और जिसके बाद से इतनी बारिश के बावजूद भी सड़कों पर जो लोगों की भीड़, एक उम्मीद देखने को मिली, कैसे देखते हैं जो दुकान खोलने चले थे, क्या वो बाजार बनता हुआ नजर आ रहा है? मैं हमारे किसी से अध्यक्ष को पूछूंगा कि वो इसका जवाब दे, पर मैं आपको बताऊं कि बारिश के बावजूद हम चले हैं। हम ऐसा लग रहा था कि हम चल नहीं पाएंगे आज,
पहले हमने कहा 7:30 को हम शुरू करेंगे, पहले दिग्विजय सिंह जी ने कहा 7:30, बाद में हम राहुल जी ने कहा 8 बजे हम शुरू करेंगे, और राहुल जी 8 बजे शुरू की, हमने 7:45 शुरू किया। पर उसके बावजूद इस 21 किलोमीटर के लेंथ में हजारों के लोग में लोग आए, महिलाएं आई खास तौर से, मैं समझता हूं आधे जो लोग सड़क पर आए हुए थे महिला और बच्चे और युवक और समाज के हर वर्ग वहां मौजूद थे। ये एक बहुत सकारात्मक शुरुआत है भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू में। आप कुछ कहना चाहते हैं संक्षिप्त? मैं ये कहूंगा कि लोगों का शुक्रिया कि लोग इस बारिश में भी आए और इतनी बड़ी तादाद में आए, और मुझे यकीन है ये तो पहला है, अभी तो शुरू है, आगे आगे आप देखिए होता है क्या। इंशाल्लाह कांग्रेस के साथ लोगों को बहुत बहुत उम्मीदें हैं राहुल जी के साथ, और राहुल जी एक बहुत बड़ी उम्मीद लेके, जो सताए हुए लोग हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग सताए हुए परेशान हैं, 15 साल में अभी तक 2 इलेक्शन हुए हैं। चलिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को निमंत्रण गया है श्रीनगर की बैठक के लिए वो राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टीज हैं। 23 पॉलिटिकल राजनीतिक दलों को नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। आपने जो उठाया है सवाल, मैं उसका जवाब दिग्विजय सिंह जी और हमारे प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता शर्मा जी देंगे। शर्मा जी देखिए, चौधरी लाल सिंह जी ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया, हम इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने गुडविल गेस्चर दिया है जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि यात्रा के स्पिरिट और मिशन को उन्होंने साथ दिया है, इसके लिए उनका धन्यवाद। मैं दिग्विजय सिंह जी से गुजारिश करूंगा, एक मिनट का जवाब आ गया है, अजय इसका जवाब आ गया तीसरा। हाँ जी एक मिनट आपका हो गया। देखिए आजकल एक सुनिए जी, आज सुनिए अरे सुनिए ना मेरी बात सुनिए, आजकल वन नेशन वन टैक्स का जमाना है, तो वन पत्रकार वन सवाल, ठीक है? हाँ चलिए, while coming home is that Rahul Gandhi and Bharat Jodo Yatra entered on January 19th, and January 19th date has got a significance so far as Kashmiri Hindus and Pandits are concerned. They call it a genocide day. 33 years back on very same day they had left their home. Now their grudge and the grievances that what you had been sharing stage with a person like Farooq Abdullah who had always tried to whitewash their genocide, discredit their pain, and even when the Kashmir File movie came, he called it a propaganda. So they are questioning that on one hand, when you say that you are trying to address their grief, on the other hand, you are trying to sprinkle salt on their shoulders. I got your question. Dibhujay Singh, you will answer it. Well, as far as we are concerned, don't forget that who was ruling the, who was the Prime Minister at that time, who was in government in Delhi when this happened. Therefore, I think the issue is simple. Congress Party has always supported the all Hindus and Muslims to be together. This is exactly the basis for which we have taken out this Bharat Jodo Yatra. And from Jammu to Srinagar, we'll be walking with this message. Mind to na yahan kya baithe ho? Farooq Abdullah stage pe aaye, unko nimantran diya gaya tha. Aapne PDP ko bhi nimantran diya hai, baaki parties ko bhi nimantran diya hai. Sawal ye hai ki kya Congress
पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आगे चल रहे। एक पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया है क्योंकि वो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है और उसके सारे लीडर। मेरा सवाल सुनिए कि क्या उनका जो मौकफ है, जिस तरह फारूक साहब ने भी कल कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी चाहिए, हालांकि चाहते हैं और 370 की बहाली चाहते हैं, तो कांग्रेस का क्या मौकफ है 370 की बहाली पे और इंडो पाक टास्क पे? कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जो बिल 5 अगस्त 2019 को लाया गया और पारित किया गया लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ, जबरदस्ती जो ब्रूट मेजोरिटी था लोकसभा में और राज्यसभा में, बिना विचार विमर्श के, बिना प्रावधान के, एग्जामिनेशन के, विश्लेषण के, वो बिल पारित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू और कश्मीर स्टेट था, फुल फ्लेज्ड स्टेट था, उसको यूटी बनाया गया, वो बिल्कुल हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में फिर से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत हो और पूरा स्टेट का दर्जा दिया जाए। आपने 370 का सवाल उठाया, हमारे देश में, हमारे संविधान में अगर आप आर्टिकल 371 देखें, 371 देखें और पढ़ें, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, असम के कुछ इलाके, कर्नाटक के कुछ इलाके, हैदराबाद कर्नाटक रीजन, उनके लिए आर्टिकल 371 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। आपका सवाल जवाब मिल गया ना? मैं आपको कह रहा हूं, आप 370 की बात कर रहे हैं, मैं 371 की बात कर रहा हूं। 371 में हमारे देश के कई राज्यों के लिए और कई राज्यों के विशेष इलाकों के लिए प्रावधान किया गया है। मेरा सवाल जयराम रमेश जी से, मैं एक ही साथ दो क्वेश्चन पूछ जाती हूँ। मेरा नाम मुंह के पत्रकार हूँ, यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। चलो, कांग्रेस का क्या स्टैंड है जिनोसाइड को लेकर, एक सवाल। दूसरा, जिनोसाइड को लेकर जी, जो 1990 में हुआ था कश्मीरी पंडित के साथ, और इस सर रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ बोला नहीं गया है, अगर आप उनके लिए भी बोले डोगरा एम्प्लॉइज। देखिए, बहुत दुखद है कि 1990 में हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहां पे शहीद हुए, उनको जम्मू आना पड़ा, लेकिन उससे भी दुखद ये भी है कि आज भी सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग की वजह से जो पिछले 10 और 12 साल में वहाँ लोग नौकरी पेशा हमारी सरकार के दौरान लगे थे, आज वो सारे जम्मू में आ गए। जम्मू के मुलाजम भी जो पिछले 10-12 साल से कश्मीर में तैनात थे, उनको किसी ने नहीं मारा था, शहीद नहीं किया था, आज वो जम्मू में 6 महीने से वो जम्मू में धरने और जुलूस आप लोग कवर कर रहे हैं, ये भी अत्यंत दुखद है। इसलिए हम उनके दुख और दर्द को समझते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं, अब तो पूरा कंट्रोल आपके यूटी है, और इस आज 2022 में अगर उनकी हत्याएं इस तरह से हों, सिलेक्टिव और टारगेट किलिंग, दफ्तर में जाके, घरों में जाकर के ड्यूटी में मारा जाए, ये अत्यंत दुखद है। इस पे हम जरा रोष, देखिए हमने कह दिया कि दुखद है, बहुत दर्द है, उनको वहां से कुछ लोगों को शहीद किया गया जिससे वो कम्युनिटी वहां से अपने घरों से बेघर हो गए, उनके दुख दर्द के शामिल होने के लिए
आज जो भी पैकेज उनको मिला डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए गवर्नमेंट के दौरान ये पैकेज बनाए गए जिसका लाभ उनको हुआ था और 3,000 के करीब तो हमारे तरह भी लोग वहां तैनात तो चले गए थे। उसके बाद भी कुछ लोग गए लेकर लोगों के घरों में भी रहते थे, ट्रांजिट कॉलोनीज में भी रहते थे। पिछले 10-12 साल में किसी को शहीद नहीं किया गया था। इस तरह से आप सब जानते हैं स्थिति की आज सड़कों पे क्या है। हम उनके दर पे शामिल हैं। कांग्रेस ने भी जो है J&K की ऑटोनॉमी को इरोड करने में अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, फ्रॉम सदर रियासत टू गवर्नर, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू चीफ मिनिस्टर, ऑल दैट हैज बीन डन ड्यूरिंग कांग्रेस टेन्योर। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ऑन भारत जोड़ो यात्रा। आई एम प्रिपेयर्ड टू हैव अ लॉन्ग 3-आवर डिस्कशन विद यू ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज ऑन भारत जोड़ो यात्रा, नॉट ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्लीज। ओके, I'm prepared to have a discussion with you. I'm not running away. But, you know, there are ways of diverting attention from the main issue. The main issue is today, why Bharat Jodo Yatra? Number one, economic inequality is increasing because of Mr. Modi's policies. Number two, social polarization is increasing because of Mr. Modi's policies. Number three, we have political dictatorship in India because of Mr. Modi. Those are the three issues that you should be worried about: economic inequality, social polarization, and political dictatorship. I am not saying that what you are asking is not important, but there is a forum for it, and I will discuss it with you. Today we are discussing Bharat Jodo Yatra. Arthik vishamtaon ke karan nikali gayi hai, samajik dhruvikaran ke karan nikali gayi hai, aur rajnitik tanashahi ke karan nikali gayi hai. ये तीन है हकीकत आज की। जैसे मैं अब तक सच न्यूज चैनल से रंजीत सिंह, एक आरोप लगता था कि जो डोगरी भाषा है उसको प्रमोट नहीं किया जाता, लेकिन आज आपने थीम सॉन्ग भारत जोड़ो यात्रा का रिलीज किया है, कहीं ना कहीं जो डोगरों के लिए मान की बात है, इस पर आपका क्या कहना है? हमेशा को सम्मान दिया है। कांग्रेस एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो हमारी अनेकताओं को न सिर्फ सम्मान देती है पर उनका जश्न भी मनाती है। हम लोग सभी पार्टी कहते हैं अनेकता में एकता। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो विश्वास करती है कि अनेकता से एकता। जब हम अनेकताओं को दबाएंगे जैसा कि BJP RSS करती है तब हमारी एकता खतरे में होती है। तो डोगरी भाषा में थीम सॉन्ग निकालना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जो भी हम करते हैं अलग अलग भाषाओं में करते हैं। हम बहुभाषीय समाज हैं, बहुधर्मिक समाज है, बहुप्रांति समाज है, बहुजातीय समाज है, और हम अनेकताओं को कभी दबाते नहीं है। जिन्होंने डोगरा स्टेट तोड़ दी, जरा उनसे भी पूछिएगा कि ऐतिहासिक डोगरा स्टेट जो है वो तोड़ने वाले कौन है और हमारा क्या दर्जा है। आज हम हिस्टोरिकल स्टेट थे, 200 साल की स्टेट, डोगराजा बाराजा गुलाब सिंह जी के वहां पे भी फूल माला चढ़ाई गई, इसलिए आपके धन्यवाद आपके। सर बीजेपी जी आरोप लगाती है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है ये भारत तोड़ो यात्रा बन गई है जैसे ही जम्मू कश्मीर में एंटर की है, क्योंकि इनके साथ जो लोग मिलकर चल रहे हैं यानी पॉलिटिकल पार्टीज की उन्होंने बात की है, जैसे PAJD जो अलायंस है ये वो लोग हैं जो सेपरेटिज्म को बढ़ावा देते हैं, ये लोग इनके साथ मिलकर चलने का मतलब है कि भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। PDP के साथ किसकी सरकार थी? PDP के साथ किसकी सरकार थी? BJP। कॉमन एजेंडा राम माधव और असद प्रभु के बीच में किसने तैयार किया था? जो आरोप लगाते हैं खुद पर देखना चाहिए। हो गया, चलिए। सर एक सवाल, सिंपल सवाल। गुलाम नबी आजाद जी क्या बीटिंग में BJP के? आपका क्या जी BJP के बीटिंग माने जाते हैं क्या? आपके बिल्कुल 100% पर उनके पार्टी का सफाया हो गया है। सर
जो लोग लीव ऑफ एब्सेंस लेकर दो महीने के लिए उनके साथ गए थे वो सब वापस आए हैं। और ये मोदी शाह की जो रणनीति है वो विफल हो गई है जम्मू और कश्मीर में। यार एक आपने पूछा है यार, यार आप बार बार पूछते हो यार, आप मेरे साथ चलो ना जयराम जी, 30 किलोमीटर चलो, सब सवाल पूछो। प्रयास आप भूल जाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही कहा था। जयराम जी, जयराम जी, मैं आपको बता दूं, सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि टॉक्स एंड टेररिज्म डोंट गो टुगेदर, ठीक है, जो आपने कहा बातचीत नहीं हो सकती है जब तक आतंकवाद मौजूद है। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, चीन हमारी जमीन पर बैठी हुई है, इनकर्शन हुआ है, हालांकि 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने कहा था ना कोई अंदर आया है ना अंदर कोई बैठा है, पर वास्तविकता यह है कि चीन भारत की जमीन पर बैठा हुआ है। पर व्यापार देखिए, पिछले 2 साल में रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट हुआ है, आयात रिकॉर्ड है चीन से, तो चीन के संदर्भ में ये क्या हुआ? चीन अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में सीमाओं पर तनाव पैदा कर रहा है, उसके बावजूद हम ट्रेड चलता रहा है, उस पर कोई हमने अंकुश नहीं लगाई, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, कोई कार्यवाही नहीं की, तो ये कहने की बात है। Who doesn't want talks with Pakistan? But they have to stop cross-border terrorism. That has been the policy of every government. What is Farooq Abdullah saying? He said that the issue is that terrorism has to be fought off. Get talks with Pakistan. In all diplomatic relations, in all issues, the dialogue has always been option. Now, when to use it and when not to use it depends on that situation which arises at that time. As far as Farooq Abdullah Saab is concerned, he has a right to make an opinion, and which he has already said. Okay, thank you. Aap logon ka swagat hai 24 तारीख को राहुल जी के पत्रकार सम्मेलन में, ठीक है, इसके पहले भी मिलेंगे हम 22 तारीख को। शुक्रिया।